की उम्र 6 साल की थी, ये बताते कि छोटी उम्र में देश के प्रति इतना जुनून हो गया। एक बार अपने पिताजियों के साथ खेत में गया होया था और एक साइड में भगत सिंह बैठे बैठे मट्टी खोदने लग गया। उसके पिताजी लागे कहने, भगत सिंह क्या करता है? के बाबू बंदूक बहू। सुनो जी, और स्वागत करें, धन्यवाद है। के बाबू बंदूक बहू हूं। उसके पिताजी लागे कहने, भगत सिंह तेरी ये नादान उम्र है, तेरी यानी उम्र है बेटे, तेरे को पता नहीं बंदूक के चीज हो। पिताजी मेरे को सब पता है, इन अंग्रेजों ने इस भारत देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिए। कैसे? भगत सिंह के विचार, भगत सिंह की सोच कवि ने अपनी कविता में पिरो दी। क्या सोच थी भगत सिंह की, कैसे क्या लगी? मैं बहू सो बंदूक बापू, अपनी प्यारी मैं बंदूक बापू, अपनी प्यारी मैं बंदूक बापू, अपनी प्यारी मैं। इस भारत ने आजाद करण की, ए भारत ने आजाद करण की, इब कर रहा प्यारी मैं। बंदूक बापू अपनी क्यारी में, भारत ने आजाद करण की कर रहा तैयारी में, इतनी छोटी उम्र में यह सोच। भगत सिंह का बापू आश्चर्य हो गया, और नहीं तो सब ने बेरा भगत सिंह की यह सोच थी। छोटी उम्र में तो फांसी का फंदा चूम लिया था, आस्ते आस्ते फांसी टूटा। क्या उम्र थी भगत सिंह की? और नहीं आजकल के बालक असल तो फोन ने सिस्टम बिगाड़ दिया था, ये जद के फोन आए नहीं बालक ने सोती आने पहली व्हाट्सएप फेसबुक लोड करके दिया। हाँ, और किसे किसे का नया नया फोन लग गया था, पहला डोरी वाले फोन हो करते लैंडलाइन। लुगाई की सी आदत बन गई, किसे का फोन आओ उठान दिए फोन, हेलो बेटे, हेलो बेटे, किसे का फोन आओ सब पहल में हेलो बेटे। एक दिन उसका घर बारी मंडी में जा रहे, उसने तो फोन कर दिया उठान दिए फोन, हेलो बेटे। ने बोले रे वाह गाली, पहले आवाज सुन लिया कर मैं बोल लू। अच्छा जी आप थे तो सॉरी बेटे, सिस्टम बदल गया। स्कूल टाइम तक पहली बालका की छुट्टी हुई और उसका बस्ता मारा, उसका बस्ता मारा, खुशी मना रहे, किलकी मारे, महाराज कौन सा बड़ा खुशी का दिन। स्कूल टाइम तक पहली तारी छुट्टी होगी तो हम इतनी खुशी मना रहे। एक छोरा मेरा कान में नहीं बोले, मारा स्कूल में आग लग गई, मगा उत के उत पटाई मर जा ना, सरकार की संपत्ति जड़ी तो हम इतनी खुशी मनाओ। ने बोले बाढ़ में जाओ सरकार की संपत्ति, 6 महीने तो पहली तो स्कूल बनता नहीं, खुलकर क्रिकेट खेल लिया करोगे। थोड़ी दूर गए, एक छोरा बैठे बैठे रोन लग रहा, माले भाई इसका स्कूल जड़ेगा दुख से, मैं उसका तो रह जाएगा। मां कोई बात नहीं बेटा, रोए नहीं करते, मैंने बेरा तेरा के दुख से तारा स्कूल जड़ गया, पढ़ाई मर जा ना। बोले ना मेरा दुख तो भी तेरे रह लिया, मां तेरे से के दुख था? ने बोले स्कूल तो जड़े था, जो मास्टर भी माए जड़ जाए कुटुंब नहीं है। यो आजकल का सिस्टम है। क्या सोचती भगत सिंह की? पहले नंबर पर कविराज क्या लिखते हैं, कैसे ये सारण खाप की तरफ से आदरणीय रामपाल जी डुंडवा गांव से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, खरक गांव से, हाँ खरक पांडो से बार बार धन्यवाद है, चरणों प्रणाम है, धन्यवाद। गुलाम परी से और हाथ हथकड़ी इसके
आदरणीय साधु राम जी कोलेखा सारण खात के मौजूदा प्रधान शोर पे से आशीर्वाद देते हैं, बार बार चरणों में प्रणाम, एक बार जोरदार तालियां प्रधान जियों के नाम से, तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद। मास्टर रामवीर जी सौ रुपये से आशीर्वाद देते, मान सम्मान करते हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम है, कलीराम प्रधान जी 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। वजीर स्वरूप श्री साधुराम के सपुत्र 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। जब भगत सिंह के इतने विचार उसके बाबू ने सुने, एकदम तेनों कहने लगा बेटा इतना ज्ञान कड़ता गया नहीं, बोले बाबू मैं तने बिरह है, बहुत बड़े खानदान का बेटा हूं, तारा थोन हूं, जिस आजादी के लिए मेरा दादा खप गया, मेरा चाचा अजीत सिंह लड़ाई लड़ रहा है और पिताजी तू लड़ाई लड़ रहा है, तो मेरा भी फर्ज बने तीसरे नंबर पे, बोले पिताजी आपने संसार दिखाया, भगवान हो मेरे, आज्ञा काम मेरा है, कैसे क्या समझाता है। Thank you.
जी मैं धरूंगा नाम पिताजी अमर करूंगा, नाम पिताजी अमर करूंगा इस दुनियादारी में। आदरणीय सुभाष ठेकेदार जी और धर्मवीर फौजी साहब 600 रुपए से